हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। जिसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कैसा होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर, जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी किसी दो एटम्स के दरमियान उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो उसके नतीजे में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे दोज आर कॉल्ड दी बॉन्ड ऑर्डर। और इसको इसको लेते कैसे हैं, इसका फार्मूला आपके पास गिवन है। द फार्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस हाफ ऑफ द डिफरेंस काय का डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद हैं BMOs के अंदर, एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसकी डायग्राम हमने बनाई थी 1s 1s, ठीक है जी। ये आपके पास जो है सिग्मा 1s था, ये सिग्मा स्टार 1s था, दिस इज़ BMO एंड दिस इज़ ABMO। अब इसके पास एक था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और हंड्स रूल और अफबो प्रिंसिपल के मुताबिक ये दोनों इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो दिस इज़ 2। एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दे आर खाली 3 0 सॉरी दे आर फ्री ना, खाली है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये 0 हो गया। तो फार्मूला है जी इन दोनों के डिफरेंस का हाफ लेना है, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ, तो 2 से डिवाइड करेंगे और डिफरेंस 2 माइनस 0, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और यही बॉन्ड ऑर्डर हम आगे जो अपनी एग्जांपल्स हैं, जो इस मेन टॉपिक की एग्जांपल्स हमने स्टडी करनी है, उनमें जाके देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स जो उनसे हैं वो क्या कहते हैं, वो हम अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करेंगे। जो 3 मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमने स्टडी करने हैं, नंबर 1 इज हीलियम, नंबर 2 इज नाइट्रोजन, एंड नंबर 3 इज द ऑक्सीजन। और फिर हमने उनमें उनका बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो देख लेनी है। तो हम जो है सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ विच इज़
हीलियम, HE2। HE की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हीलियम इज़ 1s2 और 1s2 एक हीलियम का, 1s2 एक हीलियम का, दे विल कम क्लोज़र। इसको मैं ड्रॉ करता हूं, 1s दिस एंड 1s ऑफ दिस हीलियम, दे विल गिव अस ये आपके पास एनर्जी है, ये हीलियम आयन है, हीलियम एटम है दोनों तरफ, ये इनके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इस 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इस 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 1s2 है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों के अंदर दो दो मौजूद हैं। ये जब आएंगे, ये जो है सिग्मा 1s है जो कि BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये अकॉर्डिंग टू द एफ बाउ रूल और हंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन रूल, यहाँ से इसके अंदर फिल होना शुरू होंगे, दो इसके अंदर आ जाएंगे और दो जो बचेंगे वो दो इसके अंदर आ जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन हीलियम टू मॉलिक्यूल। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या था कि बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू, इसका डिफरेंस लेना है विद एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में भी दो, और फिर इनका ले लेना है हमने हाफ, तो ये 2 माइनस 2 ज़ीरो। अब जब बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो का मतलब है कि देयर विल बी नो बॉन्ड, और नो बॉन्ड का मतलब है कि हीलियम टू विल नॉट फॉर्म, हीलियम टू इसी वजह से एग्जिस्ट नहीं करती है। हीलियम टू आपके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, हीलियम एज अ मॉलिक्यूल उसका एक अकेला एटम ही एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है, उसे ज़रूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी हमें पता चल रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हीलियम एटम, हीलियम विद हीलियम जो है कभी भी बॉन्ड आपस में वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ज़ीरो है। तो ये था हमारे पास पहली एग्जांपल ऑफ हीलियम एटम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो कि है हमारे पास नाइट्रोजन एटम की। नाइट्रोजन एटम की डायग्राम अगर मैं बनाऊं, अगर ये एनर्जी प्रोफाइल है हमारे पास, तो दिस इज और सिमिलरली जो हमने पहले भी डायग्राम बना के देखी हुई है, अब नाइट्रोजन होती है आपके पास 7, इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब लेट मी चेंज द कलर एंड लेबल देम, दिस इज 2s ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 2s है, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s है, ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये जो है सिग्मा 2s है जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंड दिस वन इज सिग्मा स्टार 2s जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कमिंग टू दिस, दिस थ्री आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये क्या है? ये 2px है, 2py है एंड 2pz, 2px, 2py, 2pz। ये जो हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं पाई 2px, पाई 2pz और y, सॉरी दिस इज x, सिग्मा 2px। ये एंटी बॉन्डिंग हैं ABMOs, दिस इज सिग्मा स्टार 2px एंड दीज आर टू पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। अब हम इनके अंदर फिलिंग करते हैं, ये एरिया एक नाइट्रोजन का है, इस 2s के अंदर दो, ये इसके अकॉर्डिंगली मैं इनमें फिल करूँगा 2s2,
इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक. सिमिलरली इस नाइट्रोजन के अंदर भी सेम, दो ये, एक एक और एक. अब ये फिल होना शुरू होंगे, तो ये दो में से दो इसके अंदर आ गए, दो इसके अंदर आ गए, 2s का काम ख़त्म. यहाँ पर जब मैं फिल करूँगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6, और ये फिल होने हैं लो एनर्जी से. ये एनर्जी का प्रोफाइल है, तो पहले, सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आएंगे और ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, अबाउट अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन रूल. तो दो इसके अंदर आ गए, दो आ गए इसके अंदर, कितने हो गए, चार टोटल, कितने हैं, तीन ये और तीन ये, छः इसके अंदर जाएंगे, तो दो इसके अंदर आ जाएंगे, और ये तीनों एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रहेंगे. तो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. अब हम निकालते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और फिर उनका हाफ लेना था. तो हाफ लेना है तो 2 कर दिया डिवाइड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स 2 + 2 + 2 = 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर 0, तो इट कम्स आउट टू बी 3. तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब है कि नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होगा N2, इट विल हैव 3 बॉन्ड्स. और हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है नाइट्रोजन के साथ. तो दिस इज़ हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है. और ये तीन बॉन्ड जो उनसे हैं वो कौन कौन से हैं? दीज 3 बॉन्ड जो उनसे होंगे, उनमें से 1 वुड बी द सिग्मा बॉन्ड एंड 2 विल बी द पाई बॉन्ड्स. और आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं द डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड एनर्जी आगे चल के भी आएगी. बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व अ बॉन्ड, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. एंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ वेरी हाई, विच इज़ 941 किलो जाउल पर मोल. एंड द रीज़न ऑफ दिस एनर्जी बीइंग वेरी हाई इज़ द प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स. तो ये हमारे पास नाइट्रोजन की एग्जांपल थी, जिसमें हमने MOT की मदद से उसके स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया और बॉन्ड ऑर्डर निकाला. नाउ वी विल गो फॉरवर्ड टू आर थर्ड एंड द लास्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स, विच इज़ ऑक्सीजन, O2. ऑक्सीजन इज 8. इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2px, 2px1, 2pz1. और इनकी जो एनर्जी का ऑर्डर होगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो हम लोग पहले भी डिस्कस करके आए हैं. नाउ आई विल गो फॉरवर्ड एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इफ दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल, तो दिस विल बी द 2s, ऑफ 2 एटम्स, और यहाँ पे आएंगे आपके पास 3 उसके और 3 जो हैं इसके p के, और दे विल गिव अस अगर आप नाइट्रोजन की और इसकी डायग्राम देखेंगे, दोनों में डिफरेंस है. और वो डिफरेंस क्यों था एनर्जी के हवाले से, वो उसके लिए हमें पूरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करके आए हैं. नाउ आई विल स्टार्ट लेबलिंग देम कि कौन सा है ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. दिस इज़ द 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम.
दिस इज़ द 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अदर ऑक्सीजन एटम. दिस इज़ 2px, 2py एंड 2pz ऑफ वन ऑक्सीजन एटम. दिस इज़ 2px, 2py एंड 2pz ऑफ द अदर ऑक्सीजन एटम. ये दोनों जब ओवरलैप किए तो दे विल गिव अस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s एंड दिस वुड बी द ABMO सिग्मा स्टार 2s. दीज थ्री विल बी द BMOs बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये होगा आपके पास सिग्मा 2px, ये होगा पाई 2py और ये होगा पाई 2pz. दिस विल बी द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz एंड दिस वुड बी द सिग्मा स्टार 2px. मैंने अब इनको कर दिया लेबल. नाउ लेट मी फिल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. 2s में दो होते हैं, दो डाल दिए. इस 2s में दो हैं, दो डाल दिए. 2px में दो, 2py में एक, 2pz में एक. इसी तरह 2px में दो, 2py में एक, 2pz में भी एक. नाउ आई विल फिलिंग दीज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इसके अंदर दो थे, इसके अंदर दो थे, टोटल चार थे. सबसे पहले लो एनर्जी वाले में फिल होंगे, इसके अंदर फिल हुए दो. अब उसके ऊपर वाली एनर्जी में फिल होंगे, इसमें हो गए दो. ये तो हो गया काम ख़त्म. अब हम चलते हैं पी ऑर्बिटल के अंदर. टोटल कितने हैं? चार इधर और चार इधर. सबसे पहले सिग्मा 2px में होंगे क्योंकि इनका एनर्जी का प्रोफाइल ये है. तो ये जो प्रोफाइल बता रहा है और आपके पास जो पॉली और अफपाउ प्रिंसिपल्स थे वो ये कहते थे कि आपके पास सबसे पहले जो ऑर्बिटल फिल होगा वो होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी. तो यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे कम है और इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन जो उनसे हैं वो एग्जिस्ट करेंगे. ये भी हमें उन्हीं रूल्स से पता लगा. तो ये दो इसके अंदर आ गए, दो इसके अंदर एंड दो इसके अंदर. फिर हमारे पास पीछे जो उनसे थे दो बच गए. अब वो दो जो उनसे थे वो उसमें भी अगर आप रिकॉल करें अपने अफबाउ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन और हंट्स रूल को, वो ये कहते थे कि जब आपके पास दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे मौजूद हों तो फिर एक ऑर्बिटल के अंदर ऑपोजिट स्पिन की बजाय वो दोनों के अंदर सिंगल स्पिन के साथ चले जाएंगे. ये रूल भी हमें वहीं से पता लगा. तो जो बाकी के दो बचे थे वो हमने यहाँ पे फिल कर दिए. तो टोटल कितने हो गए? एट पूरे हो गए. चार इधर थे, चार इधर, आठ, टू प्लस टू प्लस टू एंड प्लस टू, टोटल एट. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम. अब हम निकालना चाहते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, वो कितने हैं? दो, दो चार और दो छः. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर टू एंड इनका हाफ. तो ये आंसर आएगा टू. इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है. अब यहाँ पे जो MOT की सबसे अच्छी बात हमारे सामने नज़र आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, वो इस ऑक्सीजन के एटम में नज़र आती है. और वो ये है, या किस वजह से हम MOT को सही समझते हैं, उसकी वजह ये है कि आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास पाई स्टार जो है 2py एंड पाई स्टार 2pz, इनके दरमियान, इनके अंदर क्या मौजूद है? एक अदद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है. इसकी बात कर रहा है वो. ये जो अन इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से जो है आपके पास ऑक्सीजन को एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर वो चीज़ जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो दैट इज़ कॉल्ड पैरामैग्नेटिक. और आपके पास जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है. और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का, चलिए पैरामैग्नेटिक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. यू हैव टू ऑर्बिटल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो मौजूद हैं विद द सेम स्पिन.
अब ये सेम स्पिन की वजह से इनकी कोई ना कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन की फील्ड होगी, और ये फील्ड जो है बाहर से पड़े हुए मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती है और किसी भी चीज़ को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करने देती है। हाँ, अगर इसके अंदर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन से हों तो एक स्पिन से पैदा होने वाली जो सी फील्ड है वो दूसरी स्पिन से पैदा होने वाली फील्ड को कैंसिल आउट कर देगी, और ओवरऑल जो है ये चीज़ मैग्नेटिक इफेक्ट के अंडर नहीं आएगी। तो जो हमने ये डायग्राम बनाई जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, अनपेयर्ड होने की वजह से ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ऑक्सीजन को कुछ प्रॉपर्टी देंगे, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक के ऑक्सीजन जो है उसकी तरफ खींचती है। अब अगर मैं यहाँ पे ये दो, सिर्फ मैं ये दो बनाऊँगा, स्टेरिक स्टार 2PY एंड स्टेरिक स्टार पाई स्टार 2PZ, और इनके दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। अब अगर ये ऑक्सीजन O2 का केस है, अगर मैं O2 नेगेटिव कर दूँ, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे, और जब वो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो यहाँ पर आएंगे, सही है। तो अब जैसे ही ऑक्सीजन O2 नेगेटिव की शक्ल में जाती है तो नो पैरामैग्नेटिज्म, वो पैरामैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है उसका, वो मैग्नेटिक इफेक्ट से अट्रैक्ट नहीं होती, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो कंप्लीट हो गया है दोनों के अंदर, अब वो अलहदा, जब तक वो अनपेयर्ड था तब तक वो मैग्नेट के अंदर था, जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन आया इसने इसकी स्पिन को कैंसिल आउट कर दिया और ये न्यूट्रल हो गए और पैरामैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास था O2 का केस, स्टार 2PY 2PZ, ये O2 था। अगर मैं O2 से अब O2+2 कर दूं, O2 के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर गए ना अनपेयर्ड, ये हो गया खाली। जो इससे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो ऑलरेडी फिल्ड थे, तो इस केस में भी नो पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म इस केस में भी क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ MOT, के MOT की सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल बात है किसके सही होने की, ये चीज़ है कि हमें पैरामैग्नेटिज्म के इफेक्ट को बड़े सफाई से और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती है। तो यहाँ पे ऑफिशियली हमारी MOT जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर हमने MOT की डिटेल, उनके एनर्जीज और उनके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड ऑर्डर्स और तमाम चीज़ों को जो है वो स्टडी किया। यहाँ पे हमारी जो सी मॉडर्न थ्योरीज हैं दे एंड ऑफिशियली। अब जो है हमारे पास छोटे छोटे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होती है और पोल्स और बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जीज और इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो अब हम स्टडी करेंगे। तो दिस वाज द टॉपिक जहाँ पे हमारी MOT जो है वो ख़त्म हो जाती है, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आई होगी।